All legends are backbencher. हम लोगों ने डिजिटल सिस्टम के पार्ट टू में सीखा कि कैसे ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर कन्वर्ट किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट थ्री की। तो पार्ट थ्री में सीखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1ABC, बेस 16 है, इसे चेंज करना है डेसिमल नंबर में। ए बी सी हमने आपको पार्ट वन में स्टार्टिंग में बता दिया था, ये याद रखना है कि ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 10, जो बी की वैल्यू होती है वो होती है 11, जो सी की वैल्यू होती है वो होती है 12। अब वही सिस्टम जो पिछले सभी में करते हैं, जिसमें जो डेसिमल में डेसिमल नंबर में चेंज करना होता है, चाहे बाइनरी टू डेसिमल हो या फिर ऑक्टल टू डेसिमल हो या हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल है, तो उस सभी में यही होता है, राइट से लेफ्ट जाते हैं। आज जो चीज यहाँ पे बेस होता है जैसे हेक्साडेसिमल है, तो 16 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। 16 की पावर 0 का वैल्यू होता है 1, इसका होता है 16, इसका होता है 256, और 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब 1 को गुना करेंगे 12 से, 12 प्लस 16 को करेंगे 11 से, 176 आता है, और 256 को करेंगे 10 से तो 2560 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 2748। ए बी सी हेक्साडेसिमल नंबर है, उसे हमने चेंज करना है डेसिमल नंबर में, तो उसका आंसर आता है 274810। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं कि पॉइंट A01, इसे हेक्साडेसिमल नंबर में दिया गया, इसे चेंज करना है डेसिमल नंबर में। तो पॉइंट के इधर 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 एंड 16 की पावर -3। अब जो 1/16 होता है, 1/16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0625। 1/256 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0039 एंड जो 1/16 की -3 40/96 होता है, 16 की पावर 3 40/96, 40/96 जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.0002। ये हो गया, ए का वैल्यू होता है 10, 0 तो 0 होता है एंड 1 का वैल्यू होता है 1, गुना कर देंगे और फिर जोड़ देंगे, गुना इसमें गुना करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.625 एंड इसका हो जाएगा 0.0002। जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6252। ये आ गया इसका आंसर। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं कि 157.625, ये हमें डेसिमल नंबर में दिया गया है, इसे चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए पॉइंट के इधर वाले पार्ट को ले लेंगे 157, इसे भाग करते रहेंगे, भाग करेंगे कितना से, 16 से करेंगे क्योंकि बेस उधर 16 है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 16 ना 144 होता है, 144 होता है तो इधर रिमाइंडर बच गया, वो बच गया हमारे पास 13, यहाँ पे शेष पर 13 बच जाएगा। अब लेते हैं
पॉइंट के उस तरफ का पार्ट, तो पॉइंट के उस तरफ का पार्ट लेने के लिए 0.625, सॉरी यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 0.625 इसे हम गुना करेंगे 16 से करेंगे, तो 16 से गुना किए तो जब आप 625 को 16 से गुना कीजिएगा तब आपके पास आ जाएगा 625 को 16 से गुना कीजिएगा तब 6 × 35 हासिल 3 है, 6 × 2 = 12, 3 = 15 हासिल 1, 6 × 6 = 36, 1 × 37 = 37, 625 जीरो 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 10, यहाँ पे 10 आ गया। अब देखिए हमें हेक्साडेसिमल नंबर में लिखना है, पॉइंट के जो इधर का पार्ट आया वो हमारे पास आया 13, पर 13 को हम क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में, याद कीजिए जैसे कि 10 को हम ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, इसी तरह से 13 को ए बी सी डी बोलते हैं, 13 को हम डी बोलते हैं, तो डी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया डी, इसका आ गया इस तरफ आ गया डी पॉइंट, यहाँ पे हम पॉइंट के इधर वाला पार्ट लेते हैं तो इसलिए इधर का वाला पार्ट लिए तो यह आया 10, 10 का वैल्यू कितना था ए, इसलिए इसको अब जब हम हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो वह आएगा डी पॉइंट ए।